नेक्स्ट इज क्लीन अप मोमेंट ऑफ वरसोआ बीच इन मुंबई दैन मोस्ट पीपल वॉक बाई इग्नोरिंग द प्लास्टिक एंड गारबेज स्टोन बीचज ऑफ मुंबई अ लॉयर एंड सोशल एक्टिविस्ट अफरोज शाह डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट एंड बिगिन अ मोमेंट टू क्लीन इट अप कहते जब ज़्यादातर लोगों जो मतलब मुंबई बीच पर घूमने आए थे जब उन्होंने प्लास्टिक वहाँ पे जो बिखरा हुआ था गार्बेज जो इधर उधर बिखरा पड़ा था उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से निकलते जा रहे थे तो एक लॉयर जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं नाम है उनका अफरोज़ शाह, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे किसके लिए ये सब कुछ क्लीन अप करने के लिए इन टू इन अक्टूबर 2015 थाउजेंड फिफ्टीन व नेबर हरबंस माथुर शाह बिगेन टू क्लीन अप द सिटी वर्सोवा बीच तो अक्टूबर 2015 में उनके नेबर थे हरबंश माथुर तो शाह ने, ने अफरोज शाह ने उनके साथ मिल एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें वो क्लीन अप करने वाले थे वर्सोवा बीच को जो कि मुंबई में है विच वॉज लिटर्ड विद पाइल्स ऑफ डीकम्पोजिंग वेस्ट एंड प्लास्टिक दैट हैड वॉश्ड अप एंड इट जो कि वहाँ पे लिटर होता है बहुत सारा कचरा मीन्स गार्बेज विच वॉज लेटर जो कि पूरा मतलब कि पाइल्स होते हैं ढेर डीकम्पोजिंग वेस्ट वहाँ पे पड़ा था प्लास्टिक पड़ा जिससे कि वो पूरा भरा हुआ था जो कि वॉश्ड अप मीन्स यहाँ पे पानी के अंदर मिक्स हो जाता था ड्यूरिंग द वीकेंड्स द पेयर स्टार्टेड क्लीनिंग अप द 2.5 पॉइंट फाइव किलोमीटर रोटिंग बीच दमसेल्स तो वीकेंड्स पे वो लोग क्या करते थे दोनों मिल करके क्लीन अप करते थे राउंड अबाउट टू किलोमीटर कि रोटिंग बीच रोटिंग मतलब सड़ा हुआ मतलब बीच पे जितना भी उन्होंने मतलब ये लिटर वगैरह स्कैटर किया हुआ था उन सबको क्लीनअप करते थे वो वीकेंड्स पे बाई पिकिंग अ वन पीस ऑफ रबिश एट अ टाइम मतलब एक टाइम पर वो पूरा रबिश पिकअप करते थे इन इंस्पायर्ड बाय देम वॉल्टियर्स जॉइंड इन तो जैसे ही लोगों ने उनको देखा तो वॉलंटियर्स ने उनको जॉइन किया फ्रॉम स्लम ड्वेलर्स टू बॉलीवुड स्टार्स स्लम ड्वेलर्स वो होते हैं स्लम होते हैं जो झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं तो वहाँ पर जो रहने वाले थे उनसे लेकर के बॉलीवुड स्टार्स जब तक जो थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन टू पॉलिटिशियन इवन स्कूल चिल्ड्रन भी आए पॉलिटिशियंस भी आए बॉलीवुड स्टार्स भी आए और जो स्लम एरिया में रहने वाले ड्वेलर्स हैं उन लोगों ने आके भी इनको ज्वाइन किया और उसे क्लीन अप करवाने में उनकी हेल्प की बाई 2018 थाउजेंड एटीन फेबर अफरोज एंड हिज टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैज क्लिनडअप ओवर सेवन मिलियन किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द बीच इन अबाउट 109 हंड्रेड नाइन वीक्स तो 2018 तक राउंड अबाउट मतलब 2015 में उन्होंने स्टार्ट किया था और 2018 तक 109 वीक्स के अंदर उन्होंने 7 मिलियन किलोग्राम गार्बेज जो था वहाँ से क्लीन कर दिया था द यूनाइटेड नेशनन नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ कोल्ड दिस मूवमेंट द वर्ल्ड लार्जेस्ट बीच क्लीन अप मोमेंट तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है हमारा उसमें इस मूवमेंट को वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्लीन अप मोमेंट कहा गया है दिस क्लीन अप ड्राइव हैज़ बोर्न फ्रूट इन टू थाउजेंड एटीन थाउजेंड ऑफ ऑलिव रेडली टर्टल्स मेड द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द बीच टू सी द टू में जो ऑलिव रिडले थे टर्टल्स जो थे सी मेड अ लॉन्ग वॉक इन्होंने एक लंबी वॉक की फ्रॉम द बीच टू सी बीच से सी तक आफ्टर हैचिंग हैचिंग मीन्स टू से अमर्ज फ्रॉम एन ए कमिंग आउट मतलब कि जब अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं दैट इज कॉल्ड हैचिंग द पीपल ऑफ मुंबई रिजॉय विटनेसिंग दिस इवेंट मुंबई के जो लोग थे उन्होंने मतलब कि इस चीज को वो इस चीज के विटनेस हैं उन्होंने इस चीज को इस चीज का आनंद लिया आफ्टर अ स्पैन ऑफ मोर देन टेन ईयर्स नेक्स्ट हैवन ऑन अर्थ मधुकराय स्मॉल टाउन इन कॉयम्बनटूर तमिलनाडु रिसेंटली एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द लार्जेस्ट रीसाइक्लिंग लेसन इन द वर्ल्ड तो मधुकराय जो कि कॉयम्बनटूर के अंदर तमिलनाडु में एक स्मॉल सा टाउन है इनका नाम गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर किया गया है किस लिए बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट री लेसन इन द वर्ल्ड इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्लेसेज इन इंडिया ये इंडिया के जितने भी क्लीनेस्ट प्लेसेस हैं उनमें से एक है ओविंग इट टू इट्स वेस्ट मैनेजमेंट कि कैसे वो वेस्ट जो मतलब कि लीटर्स होते हैं लिटर जो है वेस्ट उसको कैसे मैनेज करते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं लेट बाई अबाउट 15 वीमेन नोन एज ग्रीन फ्रेंड्स 15 वीमेंस का एक ग्रुप है जिसको ग्रीन फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है सी द ग्रीन फ्रेंड्स वेकअप अर्ली मॉनिंग एवरी डे ये जो ग्रीन फ्रेंड्स हैं मतलब ये जो फिफ्टी वेमेंस का ग्रुप है ये डेली सुबह उठता है और कलेक्ट सॉलिड वेस्ट फ्राम ईच हाउस होल्ड इन द टाउन टाउन में से हर घर में से कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं द टाउन हैज़ एट थाउजेंड हाउस होल्ड्स विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट फोर्टी टू थाउजेंड टाउन हैज़ टोटल आठ हजार मतलब एट थाउजेंड घर हैं वहाँ पे और टोटल वहाँ की पॉपुलेशन है राउंड अबाउट फोर्टी टू थाउजेंड आलमोस्ट फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी टन ऑफ गारबेज इज कलेक्टेड एनुअली फ्रॉम द टाउन टाउन में से ऑलमोस्ट राउंड अबाउट फोर्टी हंड्रेड फोर्टी टनस जो है गारबेज इकट्ठा किया जाता है इस पूरे साल में द वीमन्स कलेक्ट द गारबेज वीमन्स जो है वो गारबेज कलेक्ट करती हैं एंड सेग्रीगेट दैम इन टू एट डिफरेंट बिन्स और उन सबको आठ अलग अलग एट उनके पास अलग अलग डस्टबिन हैं उनके अंदर उनको सेग्रेट अलग अलग कर देती हैं सच एज जैसे वेट वेस्ट हो गया वो अलग किचन वेस्ट अलग प्लास्टिक वेस्ट अलग एंड सो ऑन दे देन डिस्पोज दीज इंटू लार्ज बिन्स और बाद में उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है बड़े बड़े बिन्स के अंदर कैप टेट सवरल प्लेसेज जो कि अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं इन द टाउन टाउन के अंदर ट्रक्स पिकअप देअ वेस्ट तो ट्रक क्या है ये वो ये मतलब वेस्ट पिकअप करते हैं एंड टेक इट टू द वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर और इसे वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाते हैं वे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट आर सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल्ड जहाँ पे अलग अलग तरह के वेस्ट को क्या है सेग्रीगेट अलग अलग किया जाता है एंड रिसाइकल्ड और उसको दोबारा यूज में लाया जाता है फोर इंसटांस किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इन फर्टिलाइजर जैसे कि किचन का जो वेस्ट होगा उसको फर्टिलाइजिंग में यूज़ किया जाता है एंड गिवन टू द फार्मर और फार्मर्स को दिया जाता है फॉर द यूज़ इन द कल्टिवेशन कल्टिवेशन के लिए कल्टिवेशन इज समथिंग लाइक सॉइल परपरेशन ऑफ क्रॉप्स प्लास्टिक वेस्ट इज प्रोसेस टू बी यूज इन और प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको किसमें यूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स रोड की कंस्ट्रक्शंस के लिए एज अ फ्यूल इन द सीमेंट फैक्ट्री नियर बाई एज अ फ्यूल इन द सीमेंट फैक्ट्री नियर बाई इंस्पायर्ड बाय द ग्रीन फ्रेंड्स द सिटीजन्स ऑफ द मधु हैव बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो फिर मधुकराय के जो लोग थे वो ग्रीन फ्रेंड से मतलब इन विमेंस के से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए एंड थर्टी परसेंट ऑफ द हाउस होल्ड हैव स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग और टोटल हंड्रेड परसेंट में से थर्टी परसेंट ने क्या किया जो घर में लोगों ने जो भी उनका गार्बेज uh, था उसको सेग्रीगेट अलग अलग करना शुरू कर दिया द ऑर्गेनिक रिसाइकलेबल वेस्ट एट होम इट्सल्फ घर पे ही वो ये सब करने लग गए दिस इनिशिएटिव बाय द सिटीजन्स ऑफ मधुकराय शो दैट कीपिंग आर इन्वायरमेंट क्लीन इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क तो लोगों के इस इनिशिएटिव में मधुकराय के लोगों ने जब ये इनिशिएटिव लिया तो ये इस चीज़ को शो करता है कि इन्वायरमेंट को साफ रखना इम्पॉसिबल नहीं है इफ़ वी वॉन्ट वी कैन अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं इफ़ वी आर डिटामाइंड एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स ऑफ क्लिननेस कि अगर हम डिटामाइंड हैं और अगर हम गुड हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं मीन्स टू टीच समवन एंड आइडिया अगर लोगों को हम समझाते हैं वी कॉल वी कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट इन कीपिंग आर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी तो हम इस तरीके से मतलब हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन और हेल्दी रखने में ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नाउ वट यू कैन डू टू मेक योर एरिया टू मेक योर लोकेलिटी टू मेक दिस इंडिया क्लीन आप क्या कर सकते हैं ट्राई टू टीच पीपल्स एंड टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, वाई इट इज नेसेसरी. Okay, by this way, we can help our India to make it more clean. Alright, okay, so now the chapter is over, and uh, you have to do the bookwork of this chapter. Alright, so do this yourself. Okay, thank you.